नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां डाक विभाग जीवन बीमा के क्षेत्र में भी एक लंबे समय से कार्यरत है। 1 फरवरी 1884 के आरंभ डाक जीवन बीमा भारत में सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पुरानी बीमा योजना है, जिसका लाभ अब निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल भी उठा सकते हैं। जीवन बीमा के दौर की अनिवार्य आवश्यकता है। उक्त उजागर वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत गाजीपुर जनपद के सदर तहसील के करंडा ब्लॉक में इंटर कॉलेज गोसाईपुर परिसर में आयोजित डाक जीवन बीमा मेला में व्यक्त किए। मेले के अवसर पर 1000 से ज्यादा लोगों ने डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी ली और बीमा धारकों को पॉलिसी बाद सौंप कर उनके सुखी भविष्य की कामना की गई। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि बीमा के क्षेत्र में भी डाक विभाग नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। डाकघरों में लोगों की आयु और आवश्यकता के हिसाब से जीवन बीमा की तमाम योजनाएं हैं, जिनमें सुरक्षा, संतोष सुविधा, युगल सुरक्षा, सुमंगल व चिल्ड्रेन पॉलिसी शामिल है। गाजीपुर में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में वर्तमान में कुल 43,000 से ज़्यादा पॉलिसियाँ संचालित हैं। कोरोना महामारी के दौर में इस वित्त वर्ष में 2000 से ज़्यादा पॉलिसियाँ जारी की गई हैं। एक अभिनव पहल करते हुए गाजीपुर जिले के 24 गांव में सभी योग्य लोगों का बीमा करते हुए इन्हें संपूर्ण बीमा ग्राम बना दिया गया है। डाक विभाग ने नवीन टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर एंसुएंस सर्विस के तहत मैकेनिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बीमा सेवाओं को भी ऑनलाइन बनाया है। डाक जीवन बीमा योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहले मात्र सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों तक सीमित डाक जीवन बीमा अब निजी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय आदि के कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंट, वस्तुकार, वकील बनकर जैसे पेशावर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। कुमार यादव, पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र। आज यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत बैंकिंग दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया है, और इस क्रम में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है आजादी का अमृत महोत्सव, उसको समाज के अंतिम व्यक्ति से जोड़ने के लिए भारतीय डाक विभाग कार्य कर रहा है। आज बैंकिंग दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर पूरे गाजीपुर मंडल में 1000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में बीमा किया गया, जो कि अपने आप में एक जो है रिकॉर्ड है, और इन सभी लोगों को हम लोग तत्काल जो है अधिकतर लोगों को जो है पॉलिसी बांड भी जो है उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक डाक विभाग की बात है, डाक विभाग अब जो है डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया तक का सफर तय कर चुका है। आज भारतीय डाक विभाग सिर्फ पत्र के क्षेत्र में या मनी ऑर्डर के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि जीवन बीमा के क्षेत्र में है। आज डाक विभाग बैंकिंग के क्षेत्र में है। आज डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट बन रहे हैं। आज डाकघरों में आधार की सुविधा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक छत के नीचे जो है तमाम सेवाएं जो है डाक विभाग उपलब्ध करा रहा है, और आने वाले दिनों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से डाकघर एक छत के नीचे जनोपयोगी जो है करीब 75 से 80 सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिनमें यहाँ तक कि घर बैठे वहाँ पर लोगों का जो है रेलवे का जो है रिजर्वेशन भी हो सकेगा। जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल बैंकिंग को समाज के अंतिम व्यक्ति से जोड़ा है, और अब लोगों को जो है छोटी छोटी चीजों के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डाकिया बाबू घर बैठे उनको जो है तमाम सुविधाएं देंगे। आप घर बैठे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। जो लोग पेंशनर्स हैं वो घर बैठे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है डाकिया के माध्यम से निकाल सकते हैं। और इसी में हम लोगों का उद्देश्य होगा कि जो भी भारत सरकार की सेवाएं हैं उससे जन जन को अर्थात गांवों को आच्छादित किया जाए, और इसी क्रम में जो है हम लोगों ने डाक जीवन बीमा के तहत यहां पर जो है तमाम गांवों को जो है संपूर्ण बीमा ग्राम जो है बनाया है। अगर मैं गाजीपुर की बात करूं तो 43,000 से ज्यादा जो है डाक जीवन बीमा पॉलिसियां यहां पर चल रही हैं, और 24 से ज्यादा गांवों को हम लोग जो है संपूर्ण बीमा ग्राम जो है बना चुके हैं। तो आने वाले दिनों में भारतीय डाक विभाग का यही प्रयास होगा कि हम लोग डाक विभाग की सभी योजनाओं को भारत सरकार के बैनर तले जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जा सके और लोगों को जो है लाभान्वित।